नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के साथ 36 के आंकड़े में व्यस्त नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद जहां ओली की बोली भगवान राम को याद करने लगी है, वही नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली की संपत्ति में पिछले एक साल में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस संपत्ति को जुटाने का कोई स्रोत भी ओली के पास नहीं है, मगर एक साल के भीतर यह करोड़ों डॉलर बढ़ चुकी है। इसमें खास यही है कि इस दौरान विदेशों में उनकी संपत्ति 150 गुना बड़ी है। यानी पीएम ओली आज जिस तरह भारत भारत खेल रहे हैं, उसके लिए चीन से उन्होंने बहुत बड़ी कीमत वसूली है। यह सब अनायास नहीं हो रहा है, बल्कि पर्दे के पीछे बड़े सौदों के बाद यह गेम प्लान तैयार हुआ है। अगर नेपाल के लोगों को इस चीनी धोती छाप की करतूत नहीं पता है तो हम बताए देते हैं। पीएम ओली का स्विट्जरलैंड के मिराबोर्ड बैंक की जिनेवा ब्रांच में एक अकाउंट है। इसमें 55 लाख डॉलर यानी करीब 41 करोड़ 34 लाख रुपए डिपॉजिट है। ओली और पत्नी राधिका साक्या को सालाना करीब 5 लाख डॉलर मिलता है। इस आमदनी का कोई भी ठोस स्रोत ओली के पास नहीं है, लेकिन अभी ओली के कदम यहीं पर नहीं ठहरते हैं। कम्युनिज्म के नाम पर यह धोती छाप कैसे भोली नेपालियों को चूना लगा रहा है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अभी आप आगे जानेंगे। जहां भूख और गरीबी से नेपाली जनता त्राहिमाम कर रही है, वहां उनके विकास की योजना बनाने की बजाय यह धोती छाप पीएम चीन की सह पर बेफिजूल के मुद्दे उछालकर अपने निजी खजाने में डॉलर के अंबार लगाता जा रहा है। ओली की संपत्ति में कैसे उनके भ्रष्टाचारी और मक्कार चरित्र ने भूमिका निभाई है, अब जरा उसे भी जान लीजिए। ओली ने अपनी दौलत का अंबार खड़ा करने में चीन की कठपुतली के तौर पर काम किया है। साल 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में ओली के पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंबोडिया में दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस डील में उस समय नेपाल में चीन के राजदूत रहे वी चुनटई ने ओली की मदद की थी। केवल इतना ही नहीं, इस डील को नेपाली बिजनेसमैन और ओली के करीबी अंगसेरिंग शेर्पा ने अंतिम रूप दिया था, जिसमें ओली की मदद कंबोडिया के तत्काल प्रधानमंत्री हुसैन और चीनी राजनयिक हेनम पेन और बी जियांग ओने ने की थी। इस सौदे में चीन की भूमिका खुलकर सामने आई थी, जिसमें ओली ने करीब 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस रकम में अंगसेरिंग शेर्पा को भी 14% का कमीशन दिया गया था। बड़ी बात यह है कि इनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को इस भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी, मगर बदनामी के डर से उसने खामोशी अख्तियार कर ली। संभवतः इसके बाद ओली के हौसलों और महत्वाकांक्षा को पूरा बल मिला, जिसके बाद उन्होंने दूसरे कई बड़े घोटालों को अंजाम दे दिया। साल 2018 में ओली को चीन से करीब 3 करोड़ रुपए मिले थे। इसकी एवज में ओली को चीनी कंपनियों को परियोजनाएं देने के लिए सरकारी नियमों को नजरअंदाज करना था, जो कि उन्होंने करके दिखा दिया। दिसंबर 2018 में डिजिटल एक्शन रूम बनाने के लिए बिना किसी टेंडर के चीनी कंपनी हुआवे को ठेका दे दिया, जबकि नेपाल दूरसंचार भी इस फैसिलिटी को विकसित करने में समर्थ था। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ओली के राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमल का बेटा भी इसमें शामिल था। यानी नेपाली कंपनी को किनारे करके चीनी कंपनी को ठेका देकर मोटा माल बनाया गया। पर ओली की डोली की ससुराल अभी भी बहुत दूर है। मई 2019 में बिना किसी टेंडर के चीनी कंपनियों के साथ दो डील की गई, जिसमें नेपाल टेलीकम्युनिकेशन ने रेडियो एक्सेस नेटवर्क विकसित करने के लिए चीन की हांगकांग में स्थित कंपनी चाइना कम्युनिकेशन के साथ करार किया। इसी साल नेपाल टेलीकम्युनिकेशन के बीच कोर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए चीन की टेलीकॉम इक्विपमेंट निर्माता कंपनी ZTE के साथ एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह प्रोजेक्ट 1106 करोड़ रुपए की लागत का था, जिसमें ओली की झोली में 55 करोड़ 22 लाख रुपए चढ़ावे में आए। इसी साल जून 2020 में ओली ने कोरोना वायरस से जूझ रहे नेपाल को बचाने के लिए 73 मिलियन यूरो की लागत से चीन से प्रोटेक्टिव उपकरणों की खरीद की थी, जिसमें से ज्यादातर खराब थे और उनकी कीमत भी मार्केट रेट से बहुत ज्यादा थी। खबर है कि इसमें ओली और नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री को करीब 52 करोड़ रुपए का चढ़ावा चीन की तरफ से दिया गया। इस डील को लेकर नेपाल में छात्रों ने ओली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि नेपाल में इस मामले की जांच जारी है, पर चीनी धोती छाप भ्रष्टाचार का बड़ा किंग बन चुका है, इसलिए जांच का नतीजा पहले से ही तय कर लिया गया है। नेपाल के राजनीतिक पटल का ओली मामूली कीड़ा नहीं है, वे एक धूर्त कम्युनिस्ट है जो अपने घोटाले पर पर्दा डालने और नेपाल की जनता को पप्पू बनाने में माहिर है। अब ओली का भ्रष्टाचार सामने आने लगा तो उसने चीन से अपने रिश्तों से ध्यान हटाने के लिए मुद्दा भारत की तरफ मोड़ दिया है।
कभी विवादित नक्शा, नागरिकता कानून, भारत से नेपाल में कोरोना वायरस, भारत द्वारा उनकी सरकार को गिराने का आरोप से लेकर आज उन्हें भगवान राम की जन्मस्थली तक स्मरण हो आई है। यह मक्कार पीएम की भोली जनता को बरगलाने की पैतरेबाजी है, जिसने जनता का ध्यान चीनी धोती छाप की कार्यस्थानियों से हटाया है। वैसे भी नेपाली पीएम की आंखों को ध्यान से देखने पर यही झलकता है कि यह धोती छाप कितना सातिर और खड़ूस है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।